सलाम। इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन पे अवश्य फोन कीजिए या आपके निकट जो भी जीवा फर्टिलिटी सेंटर है उस पर जरूर आइए। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर हमसे पेशेंट्स या वो ऐसे कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं पूछते हैं कि कब प्रेगनेंसी जल्द से जल्द पता लग सकता है, यानी कि अंडा रिलीज हुआ है, पीरियड नहीं आया, ये प्रेग्नेंट होने का जो पता लगता है जल्द से जल्द कब लग सकता है। इससे समझने के लिए आपको प्रेगनेंसी की प्रक्रिया थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब अंडा ओवरी से रिलीज होता है, ट्यूब में आके वेट कर रहा होता है, वहाँ पे अगर स्पर्म्स हों या स्पर्म्स पहुँचते हैं उस टाइम में, एक स्पर्म्स अंडे के अंदर जाता है और उसे फर्टिलाइज करता है। वहाँ से 5 दिन तक सेल डिविजन्स होते हैं, यानी कि एक सेल 2 सेल होता है, 2 से 8, 8 से ऐसे बढ़ता रहता है, और वैसे वैसे जैसे जैसे बढ़ रहा होता है वैसे ही वो एम्ब्रियो भी गर्भ में आ रहा होता है। जब वो 5वें दिन का होता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट तैयार होता है गर्भ में इम्प्लांटेशन के लिए, चिपकने के लिए, बेबी फॉर्म होने के लिए। इस ब्लास्टोसिस्ट में 2 तरह के सेल्स हैं, एक वो जो बेबी में चेंज होगा यानी कि बढ़ेगा, और एक वो जो माया बनेगा यानी प्लासेंटा बनेगा। तो ये जो प्लासेंटा है ये एंडोमेट्रियम यानी गर्भ के लाइनिंग में चिपकना शुरू होता है, और जैसे जैसे ये होता रहता है बीटा HCG नामक हार्मोन जो है वो ब्लड में रिलीज होता है। तो ये जैसे जैसे रिलीज होता है इसका जो वैल्यू बढ़ता रहता है, तब पता लगता है कि प्रेगनेंसी आया नहीं। बहुत स्टडीज किए गए हैं और ये अनुमान लगाया गया है कि ओविलेशन यानी अंडा रिलीज होने के 6 दिन बाद भी प्रेगनेंसी है या नहीं ब्लड में पता कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन, यानी कि अगर वो वायबल प्रेगनेंसी, अच्छा प्रेगनेंसी है, पर 6 से 12 दिन तक जल्द से जल्द पता लग सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। सो ये टेस्ट कैसे किया जाए? एक होता है ब्लड टेस्ट, दूसरा होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट थोड़ा सा डिलेड होता है। इसको समझने के लिए आपको बीटा HCG का रिलीज के बारे में समझना पड़ेगा। HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन करके जो हार्मोन है, प्रेगनेंसी के टाइम जब रिलीज होता है उसे किडनी प्रोसेस करके यूरिन में निकालने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, इसीलिए यूरिन में डिटेक्शन लेट हो सकता है या वीक हो सकता है। अगर ब्लड में करें तो ये HCG का वैल्यू जल्द पता चलता है और प्रेगनेंसी के मतलब पॉजिटिव है या नहीं ये भी पता लगता है। इसके बाद अगर ट्विंस हों तो भी वैल्यू ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के बाद इस वैल्यू को आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर शेयर करें। अगर कोई प्रोसीजर करा रहे हैं आप, जैसा कि IUI या IVF, इन प्रोसीजर्स के 14 दिन के बाद ही HCG का टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के द्वारा ये पता लगता है कि प्रेगनेंसी जो है, जो वैल्यू है, वो हेल्दी है या नहीं। इससे प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आता है। तो ये 14 दिन का गैप बहुत जरूरी है। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।